लालिया से सैफुल्लाह लाली की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वजीर तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर ने लालिया में 220/132 केवी ग्रिड स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताह के मौका पर पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तफसीलात के मुताबिक मई 2021 में शुरू होने वाले प्रोजेक्ट सवा साल की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल हुआ। तकरीब से खिताब करते हुए सीईओ फेस्को ने कहा कि 4 अरब की लागत से 500 मेगावाट का ये मनसूबा कलील मुद्दत में मुकम्मल हुआ। मनसूबे से सरगोधा और फैसलाबाद डिवीजन में सार्फिन को मुकम्मल वोल्टेज मैसर आएंगे। दूसरी जानब MD NTDC ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि लालिया ग्रिड स्टेशन फेस्को रीजन में लोड शेडिंग में वाज़ेह कमी आएगी। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का मिशन है कि इस मिट्टी को संवारना है। लालिया की तरक्की का इफ्तिताह किया, तवानाई होगी तो नया रोजगार फराहम होगा। 4 साल तरक्की दुश्मन टोला इस मुल्क पर मुसल्लत रहा और मुल्क की तरक्की रुक गई। पाकिस्तानियों को दोबारा तरक्की की मोटर वेप डालने का चैलेंज है। सैफुल्लाह लाली, ग्रेट न्यूज़ लालिया। और ये अल्लाह ताला का खास करम है और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है कि अगर पाकिस्तान की तारीख में एक जमात ने तरक्की करके दिखाई है, चला के दिखाई है,